बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत से बकरी पालक हैं जो काफी संख्या में बकरियों का पालन करते हैं, तो क्या होता है कि वो अलग अलग मार्केट में अपनी बकरी बेचते हैं तो उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है। राम भैया, क्या हाल चाल? सब ठीक है। आज तो देखने में तो बकरा बढ़िया लग रहा हूँ, काहे अच्छा बेच रही है। व्यापारी खुद फार्मर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि अपनी बकरी देने को, और एक अनुमान लगा के दाम बता के उसको खरीदने के लिए बोलता है। तो बकरी पालक को सही पता ना होने पर वो हाँ बोल देता है, जिससे उसे घाटा होता है। भले ही व्यापारी लोग अपने पुराने तरीकों को जल्दी से ना छोड़ें, पर फिर भी एक उचित तरीका यही होगा कि बकरी पालकों और व्यापारियों के बीच एक आपसी समझ बनाई जाए। वजन के आधार पर बकरी को बेचना है, ना कि अनुमान के आधार पर। वजन के आधार पर बिक्री करने से लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें हर किलो का दाम बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच तय किया जा सकता है। यही नहीं, ग्रामीण स्तर पर बकरी मेले का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें पशुपालकों जिनके 10 से 12 माह के या उससे भी अधिक उम्र के बकरी हैं, उनको आमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, बकरीद के त्योहार पर कुर्बान किए जाने वाले बकरों के लिए लगने वाला बाजार। ऐसे समय पर बकरी पालकों को स्वस्थ, सुंदर, तंदुरुस्त और अच्छा पोषण लेने वाली बकरियों के लिए काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आईं जहां पे कैश फ्लो एकदम कम हो गया, लोगों के आजीविका के साधन एकदम ध्वस्त हो गए, जो छोटे छोटे रोजगार थे वो पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन जिनके पास में बकरियां थी उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपनी बकरी को तुरंत कैश में कन्वर्ट करके और अपने जो उस समय की जो दिक्कतें थी उसको उन्होंने पूरा किया। बकरी के मांस के अलावा उससे जुड़े हुए कई उत्पादों से भी कमाई की जा सकती है, जैसे बकरी के दूध से बना हुआ साबुन, मॉइस्चराइजर एवं बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। सृजन टीकमगढ़ की टीम ने यहाँ एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है और उनका उद्देश्य यह है कि बकरी एवं उससे जुड़े हुए उत्पादों की मार्केटिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाए, जिससे बकरी पालन एक आकर्षक व्यापार के रूप में उभर कर आएगा। यहाँ पे पशु सखियाँ हैं, वो खुद अपने हाथ से पशु चाट, दाना वगैरह ये सब बनाती हैं, तो ये भी उन्हें सस्ते दाम में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अच्छा दाना मिलेगा, जिससे उनकी बकरी स्वस्थ रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। तंदुरुस्त रहेगी तो उसका मार्केटिंग अच्छा होगा और दाम भी अच्छा मिलेगा, और दवा भी उनको सस्ते दाम में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बकरियों का वजन बढ़ता है, वो स्वस्थ रहती हैं। गरीब किसान हैं, उनके लिए बकरी पालन एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है और वो यहाँ के लिए वरदान है। इसी को देखते हुए हमने इससे संबंधित हमने ये आजीविका का ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे चलाया है।